दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से पीडीएफ बना सकते हो। तो हो सकता है आपके मोबाइल के गैलरी में कुछ फोटोज होंगे, आप उन फोटोज को यूज करके पीडीएफ बनाना चाहते हो, या फिर हो सकता है आपके सामने कुछ इस टाइप का हार्ड कॉपी हो, उसको स्कैन करके आप पीडीएफ बनाना चाहते हो। तो दोनों ही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे आप गैलरी के फोटोज को सेलेक्ट करके उसे पीडीएफ बना सकते हो और कैसे आप किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसका पीडीएफ बना सकते हो। आपके पास हो सकता है बुक हो या फिर नोटबुक हो, आप उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन यूज करना होगा। ये कौन सा एप्लीकेशन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पिक्चर क्लिक करके किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना सकते हो। बस सामने आपको नोटबुक या फिर बुक रखना है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रखना है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रखना है। वैसे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, वाइट बोर्ड, बुक, डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड, बिजनेस आईडी कार्ड, लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके रखना है और सिंपली आप पिक्चर को क्लिक करके इस तरीके से पीडीएफ बना सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल फोटो ले सकते हो और उसका पीडीएफ बना सकते हो। बस आपको पिक्चर क्लिक करना है इस तरीके से। सही नहीं आता है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। देख सकते हो मैंने दो पिक्चर क्लिक किया, दोनों ही सही हैं। यहाँ से आपको कीप स्कैनिंग पे टैप करना है। मान लो आपको गैलरी से भी कोई फोटो ऐड करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो केवल गैलरी के फोटो को ही यूज कर सकते हो पीडीएफ बनाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आपको ये जो कैमरा का बटन दिखाई देता है उसके साइड में यहाँ पे कोने पे गैलरी का आइकन दिखाई देता है, इस पर टैप करना है। गैलरी के आइकन पे टैप करने के बाद इस तरीके से गैलरी ओपन हो जाता है। यहाँ से आप जिस भी फोटो को सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। आप यहाँ से मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे इस पर टैप करके इसको इस ऐप में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दो फोटो मैंने क्लिक किया था और दो फोटो मैंने गैलरी से ऐड किया है, तो टोटल चार फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सारे फोटोज को क्लिक करने के बाद और गैलरी से ऐड करने के बाद आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपको और भी फोटो ऐड करना हुआ तो कीप स्कैनिंग पे टैप करना है, आप और भी फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सारे फोटोज को ऐड करने के बाद इस पे टैप करना है। और अभी यहाँ पे पांच फोटो हो चुका है। अब आप हर फोटोज में चाहो तो फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर पे टैप करके जो भी आपको फिल्टर पसंद आता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, उसी हिसाब से पेजेस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। आप ये फिल्टर सारे पेजेस में अप्लाई करना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना है, या फिर आप एक एक करके हर फोटो में अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हो, हर पेज में फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो पेज को रीअरेंज भी कर सकते हो। अगर आप हल्का सा यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रीऑर्डर ये दिखाई देता है, इस पर टैप करना है और यहाँ पे सारे पेजेस आपको दिख जाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पेजेस हैं। आप किसी भी पेज को कहीं पे भी रीलोकेट करके रीऑर्डर करके रख सकते हो। मान लो इसको मुझे दूसरा पेज बनाना होगा तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करके रख सकता हूँ। चौथे पेज को पहला पेज बनाना होगा तो इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करके रख सकता हूँ। और सारा चेंजेस करने के बाद, रीऑर्डर करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आपको कोई फोटो डिलीट करना हुआ, गलती से ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मुझे चौथा पेज डिलीट करना हुआ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगेन डिलीट पर टैप करना है और फोटो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल चार पेजेस बचा है, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे हर पेज को क्रॉप भी कर सकते हो। किसी पेज में अगर एक्स्ट्रा आ चुका है पोर्शन तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो। बस आपको पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्रॉप का बटन दिखाई देगा, आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो हर कॉर्नर से। तो इस तरीके से मैं हर पेजेस में जाकर के उसको क्रॉप कर देता हूँ, जो भी पोर्शन मुझे रखना है, और उसके बाद यहाँ से सेव पे टैप कर देना है। इस तरीके से मेरा पीडीएफ तैयार हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, आपके पीडीएफ को अपलोड किया जाता है। अब यहाँ पे आपका पीडीएफ तैयार हो जाता है। यहाँ से आप अपने पीडीएफ को शेयर कर सकते हो। शेयर करने से पहले यहाँ पे आप मोर पे टैप करके पीडीएफ को रीनेम कर सकते हो, यानी कि पीडीएफ का नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया माई फाइल के नेम से। यहाँ पे रीनेम पे टैप करना है, फाइल का नाम चेंज हो जाता है। अब यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको शेयर पे टैप करना है और आप चाहो तो पीडीएफ का लिंक शेयर कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी। या फिर आपको पीडीएफ ही अटैच करके सेंड करना हुआ तो सेंड ए कॉपी, इस पे टैप करना है और जहां पे भी आपको इसे सेंड करना हुआ आप उसको सेलेक्ट करके सेंड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब उस ऐप का नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐप का नाम है एडोब स्कैन। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप सिंपली एडोब स्कैन सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाके तो ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है तो आप सिंपली कैमरा वाले ऑप्शन पे टैप करोगे और यहाँ से स्कैनर ओपन हो जाता है। और बाकी आप यहाँ होम पे टैप करके सारे बनाए हुए पीडीएफ को देख सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो।